पीले दांत वाली बहू। रंजना कभी ब्रश नहीं करती थी। उसे कितनी बार उसके माँ बाप ने डांटा, लेकिन उसका कोई असर उस पर होता ही नहीं था, जिस कारण से उसके दांत पीले पीले हो जाते हैं शादी के बाद। अरे बहू, वैसे तो तुझमें कोई कमी नहीं है, पर तेरे दांत इतने पीले कैसे है बेटा? कैसे है मतलब? कोई सर्जरी थोड़ी ना कराइए। वो तो क्या नाम है, ब्रश नहीं करती थी तो पीले हो गए। अब क्या करूं? आप कहें तो लाल करवा लूं या फिर काले? यार ये क्या है, क्यों माँ से लड़ रही हो? लड़ रही हूँ? अरे मैं लड़ रही हूँ या ये बोल रही है कि दांत पीले है? पीले? अरे तपस्या थोड़ी ना की है इन्हें पीले करने के लिए। बकायदा ब्रश नहीं किया है 20 साल तक, तब जाकर। छी, कैसी बात कर रही हो? ये उस वक्त तो पीले नहीं थे जब हम लोग तुम्हें देखने आए थे। अरे तब साफ करवा लिया होगा डेंटिस्ट के पास जाकर, अब देखो कैसे पीले पीले लग रहे हैं। रंजना सास की तरफ गुस्से से देखती है। फिर शुरू हो गई पीले पीले पीले। अरे पीले तो तभी थे जब मेरे हाथ का रसगुल्ला उड़ा उड़ा कर खा रही थी और बोल रही थी लड़की नहीं गुड़ों का खजाना दे रहे भाई साहब आप। अब वो लोग करते भी तो क्या करते, पीले दांत वाली बहू पल्ले पड़ी थी तो झेलना तो था ही। एक दिन कीर्तन में रंजना गाना गा रही थी। अरे कमला बहन, माँ का द्वार है, यहाँ तो सब शुद्ध होकर आते हैं, फिर अपनी बहू को ब्रश भी नहीं करवाती तुम, दूर से पीले पीले दांत भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अरे कोई 2 साल के बच्चे थोड़ी ना लेकर आई हूँ मैं बहू बनाकर, अच्छी खासी लड़की है, अरे कैसे करवाऊं ब्रश, ये तो उसे खुद करना चाहिए ना। अब माँ बाप तो इसके जैसे तैसे निपटा दिए, ये नहीं सोचा कि सास कैसे संभालेगी। सास बहू को लेकर घर आ जाती है, लेकिन सोच लेती है कि अब इसे लेकर कहीं नहीं जाएगी। अगले रोज बहू कहती है, अरे क्या हो गया, मंदिर नहीं जाना क्या? कीर्तन का वक्त हो रहा है, मेरी मधुर वाणी से कान्हा जी जागते हैं और सोते हैं, आप तो जानती है ना उनकी भक्ति में कितना मन लगता है मेरा। वो क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी, आराम करूंगी मैं। तबीयत ठीक नहीं लग रही? अभी तो मिथुन के गाने पर नाच रही थी आप, और अब बोल रही है कि तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे भक्ति में मन लगा लो सासू माँ, ऊपर जाना है, क्या मुंह दिखाओगी आप? हाँ, सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, इसकी चिंता तो ना कर, समझी, अपने मुंह की चिंता कर जो ये पीले पीले दांत लेकर हर जगह पहुंच जाती है। पता है लोग कितना मजाक बनाते हैं, ना जी ना, मैं नहीं जाना कहीं तेरे साथ। तो ये बात है, कोई ना मत जाओ, मैं अपने कमरे में ही बैठ कर भक्ति कर लूंगी। ऊपर वाला दांत थोड़ी ना दिखता है, मन देखता है, भावना देखता है। और अरे बस बस, तू सब कुछ दिखा, बस ये सफेद चमकदार दांत ना दिखाना किसी को है, जा यहां से। बहू को सास की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जैसी थी वैसी ही रह जाती है। सुबह नहाकर किचन में खाना बनाना, फिर खाना खाना, कीर्तन भजन करना और सो जाना। एक दिन, माँ जी मैं सहेली के घर जा रही हूँ, शाम को लेट आऊंगी। तो जाना, मैंने कौन सा तेरी आरती करनी है घर पर बैठकर। रंजना सहेली के घर जाती है जहाँ वो पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होती है। अरे शिखा, कहाँ जाने की तैयारी कर रही है, मैं गलत वक्त पर आ गई क्या? अरे नहीं यार, उड़ता सही वक्त पर आ गया, मैंने ये साड़ी और ज्वेलरी निकाली है यार, शाम को इनके ऑफिस की एक पार्टी में जाना है, बताना कैसा लग रहा है ये सब। नहीं यार, इस ड्रेस के साथ तो वो वाली ज्वेलरी अच्छी लगेगी। हाँ हाँ सही बोल रही है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वैसे तो हमेशा से मस्त फैशन सेंस रखती है, तो बड़ा जाती होगी ना पति के साथ पार्टी में। रंजना कुछ नहीं बोलती, बस सोचती है कि यार काशी बात सही हो जाती, पर मैं क्यों नहीं जाती पार्टी में, क्या इन लोगों की कोई पार्टी होती नहीं होगी। रंजना घर आती है और रात में पति से सवाल करती है, एक बात बताइए, आप मुझे किसी पार्टी में क्यों नहीं ले जाते, क्या आपके यहाँ ऑफिस में पार्टी नहीं होती? पति बेचारा क्या कहता कि दांत पीले हैं तुम्हारे इसलिए। अरे कोई पार्टी होती नहीं हम लोगों के ऑफिस में, तो कहाँ से लेकर जाऊँ? और मार्केट, मॉल, कहीं वीकेंड घूमना, कहीं तो। अरे यार सारे हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, तो सोचता हूँ कि आराम ही कर लूँ, क्यों? रंजना मन मार के रह जाती है, पहले कभी सास के साथ मंदिर जाया करती थी, लेकिन वो भी सास ने ले जाना बंद कर दिया। घर बैठी बैठी रंजना बोर हो जाती है, तभी उसे आइडिया आता है और वो बाइक के जाने का सोचती है। सासू माँ, 2 दिनों के लिए मम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, आराम से जा, और हाँ माँ से कुछ अच्छी आदत सीख कर आना कि कैसे शरीर के हर भाग की तरह दांतों की सफाई भी जरूरी होती है, समझी? शुरू हो गई ना आप, वो लोग आपकी तरह नहीं है कि छोटी छोटी बात का पतंगड़ बना दे,
उन लोगों के लिए मैं मायने रखती हूँ, ना कि मेरे पीले पीले दांत। रंजना माँ को बिना बताए उन लोगों को सरप्राइज देती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुँचती है अंदर देखती है कि घर वाले कहीं जा रहे होते हैं। अब माँ, काश रंजना दीदी के दांतों वाली प्रॉब्लम नहीं होती तो वो भी हम लोगों के साथ चलती ना बुआ जी की बेटी की शादी में। हाँ बेटा, लेकिन अब उसे कौन समझाए कि उसको उसके पीले दांत नहीं दिखते लेकिन उसके आसपास के लोगों को कितना एम्बेरसिंग फील कराते हैं। मुझे तो कितनी बार उसके स्कूल की टीचर ने शिकायत की कि उसके साथ कोई लड़के बैठना भी नहीं चाहती और ना ही कॉलेज में कोई उससे बात करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये बात समझ में नहीं आती। कोई कमी नहीं है उस लड़की में, बस यही के दांत पीले हैं। वो तो भला हो जीजा जी और उनकी माँ का, जो दीदी को जैसी है वैसे ही रखा हुआ है। रंजना को अपने घर वालों की बात सुनकर बहुत दुख होता है। वो सोचती है कि वो क्या करे, लेकिन फिर वो सीधा डेंटिस्ट के पास जाती है, अपने दांत चमकाती है और कसम खाती है कि वो रोज ब्रश करेगी। और क्या हो गया, तुम तो दो दिनों के लिए गई थी ना, पर कोई ना, अच्छा है चलो आ गई। तो रंजना सास के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूरी स्माइल करती है उसके चमकदार दांतों को दिखाती हुई। चले मंदिर। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत एम्बेरसिंग फील करवाया, मैं आज से रोज ब्रश करूंगी। अरे भाग्यवान, मेरे जूते कहाँ रखे हैं? मुझे बाहर जाने में देर हो रही है। तभी मालती कमरे में आती है। ये रहे आपकी जूते, मैं इन्हें साफ करने के लिए ले गई थी। अरे वाह, तुम कितनी समझदार हो, मेरे बिना कुछ कहे ही सारे काम कर देती हो। तभी मालती झिझकते हुए रमेश से कहती है, सुनिए जी, आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे नहीं नहीं, बेफिक्र होकर कहो। शादी से पहले मैं अपने मायके में नौकरी करती थी, मैं चाहती हूँ कि अब मैं फिर से नौकरी करना शुरू कर दूँ, वैसे भी सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। देखो मालती, तुम्हारे नौकरी करने से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, हमारे खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने नौकरी नहीं की। फिर भी एक बार तुम माँ से पूछ कर देखो, अगर वो तुम्हें नौकरी करने की इजाज़त दे देती है तो अच्छी बात है। रमेश वहाँ से चला जाता है। फिर उसी शाम मालती अपनी सास के पैर दबा रही होती है, तभी उसकी सास मालती से कहती है, अरे क्या बात है बहू, आज तो ठीक तरह से मेरे पैर नहीं दबा रही, किसी ख्याल में खोई पड़ी है क्या? मैं भी तो जानूं आखिर बात क्या है। दरअसल वो माजी। अरे हाँ हाँ बोलो, इतना सोच क्यों रही हो? माजी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं नौकरी करना चाहती हूँ, घर के काम करने के बाद मेरे पास काफी वक्त बच जाता है। मालती की ये बात सुनकर उसकी सास गुस्से में कहती है, अरे बहू तेरी तबीयत तो ठीक है ना, आज ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? भला हमारे खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने नौकरी की है जो तू नौकरी करने की बात कर रही है, है? अरे बहू, तू क्या रिश्तेदारी में हमारी नाक कटाना चाहती है? इतना जल्दी हो सके अपने दिमाग से नौकरी का भूत उतार दे और अब जा, जल्दी से रसोई में जा, खाना बनाने का वक्त हो रहा है। मालती मन मार कर खाना पकाने के लिए रसोई घर में चली जाती है। अगले दिन, नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? अरे आओ आओ दिवाकर बेटा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगाती हूँ। बहू जरा एक कप चाय तो लेती आना। फिर दिवाकर एक फाइल खोलकर मालती की सास के सामने रख देता है। ये देखिए माँ जी, ये है पिछले महीने का हिसाब और ये रहे मुनाफे के रुपए। एक बार हिसाब देख लीजिए और इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दीजिए। अरे दिवाकर बेटा, मैंने भला आज तक कभी तेरा हिसाब देखा है? जब अब देखूंगी। ला बता कहाँ दस्तखत करूं? तभी मालती चाय लेकर वहाँ आ जाती है और अपनी सास को बिना कागजातों को पढ़े इस तरह लापरवाही से दस्तखत करते हुए देखकर हैरान रह जाती है। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ, फैक्ट्री में बहुत काम है। फिर दिवाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद मालती बाजार में कुछ सामान खरीद रही होती है, तभी एक बूढ़ा आदमी उसे आवाज देता है। अरे मालती बेटी, कैसी हो? मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी कंपनी में मुनीम का काम करता हूँ। हाँ चाचा जी, मैं आपको बिल्कुल पहचानती हूँ, कहिए कैसे हैं आप?
मैं तो ठीक हूँ, कंपनी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, यहाँ तक कि हमें ठीक वक्त पर तनख्वाह भी नहीं मिलती। ये आप क्या कह रहे हैं? अब क्या बताऊँ, आप लोग तो कभी हिसाब किताब देखने दफ्तर आते नहीं। मेरी मानो तो एक बार आप लोग दफ्तर आकर सारा हिसाब किताब देख लो, आपको असलियत पता चल जाएगी। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। फिर वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मालती घर पहुंचकर अपनी सास को सारी बात बताती है। तभी वहाँ रमेश भी आ जाता है, लेकिन मालती की सास मालती की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। तभी रमेश कहता है, अरे माँ, बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता। जब मालती इतना कह रही है तो हमें एक बार दफ्तर चलकर देख लेना चाहिए। वैसे भी हम लोग काफी दिन से अपने दफ्तर नहीं गए हैं। इस तरह किसी एक आदमी के भरोसे काम छोड़ना मुझे भी ठीक नहीं लगता। अगले दिन वे सभी अपने दफ्तर पहुंचते हैं और सीधे दिवाकर के कैबिन में जाते हैं। अचानक सबको एक साथ देखकर दिवाकर चौंक जाता है। अरे माँ जी, आप सब लोग अचानक यहाँ कैसे आ गए? अगर कुछ काम था तो मुझे एक फोन कर दिया होता, मैं आपके घर आ जाता। तभी मालती की सास कहती है, अरे दिवाकर बेटा, आज मैं हिसाब देखने दफ्तर आई हूँ, जरा मुझे पिछले 6 महीनों का हिसाब दिखाना तो बेटा। दिवाकर घबराते हुए हिसाब की फाइल मालती की सास को देता है। मालती की सास फाइल लेकर मालती को देती है और कहती है, ले बहू, देख ले हिसाब। मालती फाइल को बड़े गौर से देखती है और अगले ही पल उसे सारी गड़बड़ी समझ में आ जाती है। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुनीम चाचा बिल्कुल सही कह रहे थे, हमारी कंपनी में पिछले 6 महीनों में जितना मुनाफा हुआ है, हमें उसका आधा पैसा भी नहीं मिला। यूँ समझ लीजिए कि 1 रुपये में सिर्फ 54 ही हमारे हाथों में आई है। मालती की बातें सुनकर मालती की सास गुस्से से दिवाकर को पूछती है, क्यों दिवाकर, मेरी बहू जो कह रही है वो सच है? दिवाकर समझ जाता है आज उसका भांडा फूट चुका है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। अरे वाह दिवाकर, तू तो एक नंबर का चोर निकला। इतने दिनों से मैं तुझ पर आँख बंद करके भरोसा करती रही और तू मुझे ही चूना लगाता रहा। अभी के अभी निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। दिवाकर वहाँ से भाग जाता है। मालती की सास मालती को शाबाशी देते हुए कहती है, बहू, आज मैं समझ गई कि पढ़ाई लिखाई हमारी जिंदगी में कितनी जरूरी है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल सही जगह करके हम दुनिया में बहुत कुछ बदल सकते हैं।